नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 28 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस में 242 महिला सिपाही ट्रेनिंग के बाद हुई शामिल। बिहार के सभी 243 विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में होगा अपना कार्यालय। महिला कॉलेजों की रैंकिंग में बिहार के इस कॉलेज ने मारी बाजी। बीपीएससी पेपर लीक मामले में बढ़ा आर्थिक अपराध इकाई की जांच का दायरा। बिहार के 18 जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस में 242 महिला सिपाही ट्रेनिंग के बाद हुई शामिल। बिहार पुलिस में बीते दिन 242 महिला सिपाही ट्रेनिंग के बाद बिहार पुलिस में शामिल हो गई है। इसके लिए पहले तो बीते दिन परेड करवाने का काम किया गया, उसके बाद परेड की आखिरी सलामी लेने ट्रेनिंग आईजी विजय प्रसाद वर्मा पुलिस लाइन पहुंचे थे, जहां पर ही उन्होंने राष्ट्रगान के साथ ही परेड की शुरुआत की। इस दौरान ही महिला सिपाहियों की तरफ से कदम ताल मिलाकर ग्राउंड में काफी बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया। इन्हीं महिलाओं की अब कुछ दिनों की छुट्टी के बाद थानों में पोस्टिंग के लिए भेजने का काम किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पुलिस जवान के आने से ही लॉ एंड ऑर्डर और मजबूत होने वाला है। महिला कॉलेजों की रैंकिंग में बिहार के इस कॉलेज ने मारी बाजी। बिहार में हाल ही में MDRA बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया सर्वे 2022 में पटना विमेंस कॉलेज बिहार और पटना के सभी महिला कॉलेज में ऊंचे रैंक पर आया है। कला और विज्ञान में पटना विमेंस कॉलेज ने अब उच्च रैंकिंग हासिल की है, लेकिन विज्ञान के ओवरऑल रैंक में गिरावट आई है। हालांकि पिछले 3 सालों की बात करें तो कॉलेज ने अब कला की रैंकिंग में काफी सुधार करने का काम किया है। साथ ही अब इस बार बिहार ही नहीं बल्कि पूरा पूर्वी जोन ही टॉप पर रहा है। कला संकाय में ही इस साल की राष्ट्रीय रैंकिंग 30 है, विज्ञान में 43 रैंकिंग के साथ ही पूर्वी क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। पिछले साल की ही बात करें तो कॉलेज विज्ञान संकाय में 42वें स्थान पर था। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे मनोज बाजपेयी की। मनोज बाजपेयी एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं और उन्होंने तेलुगु और तमिल भाषा की फिल्में भी की है। वो 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्मफेयर पुरस्कार और 2 एशिया प्रशांत स्क्रीन पुरस्कार प्राप्त करता है। 2019 में उन्हें कला में उनके योगदान के लिए भारत के 4th सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पश्चिम चंपारण जिला बिहार के बेतिया शहर के पास एक छोटे से गांव बिलवा में जन्मे बाजपेयी बचपन से ही अभिनेता बनने की ख्वाहिश रखते थे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने थिएटर करना जारी रखा। बाजपेयी ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत द्रोहकाल में 1 मिनट की भूमिका और शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन में एक डकैत की एक भूमिका निभाने के साथ की। कुछ अनजान भूमिकाओं के बाद उन्होंने राम गोपाल वर्मा की 1998 की क्राइम ड्रामा सत्या में गैंगस्टर भीकू मल्होत्रा की भूमिका भी निभाई, जो एक सफलता साबित हुई थी। बीपीएससी पेपर लीक मामले में बढ़ा आर्थिक अपराध इकाई की जांच का दायरा। राजधानी पटना में बीपीएससी की 67वीं परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में अब आर्थिक अपराध इकाई की जांच का दायरा बढ़ने लगा है। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीपीएससी के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर बड़ी चूक सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीपीएससी के पीटी के प्रश्न पत्र लीक मामले में जैसे जैसे आर्थिक अपराध इकाई की जांच बढ़ रही है, वैसे वैसे ही कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। जांच में अब ये सामने आया है कि गया जिला प्रशासन में सेंटर बनाने के लिए खुद ही अब शिक्षण संस्थानों की लिस्ट तैयार कर बीपीएससी को भेजने का काम कर दिया गया है, जिसके बाद ही अब डीईओ से शिक्षण संस्थानों के बारे में कोई जानकारी नहीं ली गई है। मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं पर पर्याप्त फंड खर्च नहीं कर रही है बिहार सरकार। बिहार के नीतीश सरकार बिहार में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा पर पर्याप्त फंड फिलहाल खर्च करने का काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर ही हाई कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है, जिस पर ही सुनवाई तो होने वाली थी, लेकिन बिहार राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित मामले पर पटना हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई अब 4 जुलाई 2022 तक के लिए टल गई है, जिसके बाद ही अब संजय करोल की खंडपीठ ने आकांक्षा मालवीय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को विस्तृत जानकारी देने को कहा है और मानसिक स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या कमियां हैं इसमें सुधारने के उपाय पर सुझाव दिए हैं। बिहार के 18 जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। बिहार में मॉनसून का असर अब तेजी से देखने को मिलने लगा है। बिहार में मॉनसून शुरू होने के बाद से ही मौसम विभाग लगातार भारी बारिश और तेज हवा के साथ वज्रपात की चेतावनी दे रहा है। इसी बीच अब एक बार फिर से विभाग ने अपना अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत मौसम विभाग ने आज भी पटना में हल्की तो शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग ने 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं दूसरी तरफ विशेष बुलेटिन में IMD ने कहा है कि पश्चिमी बिहार के कुछ जिले जहां मॉनसून अभी पहुंचा नहीं है उसे भी 30 जून तक कवर कर लेगा। साथ ही उत्तरी दक्षिण बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। जेपी गंगापथ पर अब 24 घंटे होगी पुलिस की पेट्रोलिंग।
मुंबई जुहू बीच के तर्ज पर अब पटना में बने जेपी गंगा पथ पर सुरक्षा के मद्देनजर 24 घंटे बिहार पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी तैनात रहने वाली है। हाल ही के दिनों में राजधानी में बने अटल पथ, राजा बाजार फ्लाईओवर और एम्स दीघा एलिवेटेड पुल पर एक्सीडेंट जैसी घटनाएं देखी गई है, जिसका अहम कारण ही हाई स्पीड होता है। इसके ही रोकथाम के लिए अब बिहार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद ही अब पटना पुलिस की तरफ से गंगा पथवे पर पुलिस को 2 पेट्रोलिंग वाहन 24 घंटे पेट्रोलिंग करती नजर आने वाली है। दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनाव जीतने के बाद अब खेसारी लाल ने दी बधाई। भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने लोकसभा सीट आजमगढ़ पर हुए उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करने का काम किया है, जिसके बाद ही अब उन्हें हर तरफ से बधाई देने का काम हो रहा है। इतना ही नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार भी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव के साथ साथ आम्रपाली दुबे ने भी जीत पर बधाई दी है। साथ ही खेसारी लाल यादव ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा तो वहीं आम्रपाली दुबे ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की। दिनेश लाल यादव की जीत पर भोजपुरी के स्टार खेसारी लाल यादव ने फेसबुक पर पोस्ट में लिखा कि ऐतिहासिक जीत के लिए बड़े भैया दिनेश लाल यादव जी को बहुत बहुत बधाई। आज तेज प्रताप यादव निकालेंगे अपना शांति मार्च। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का संगठन 28 जून को शाम 4 बजे पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से कारगिल चौक तक शांति मार्च निकालने वाला है, जिसकी जानकारी परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रशांत यादव ने दी है। उन्होंने ही अपना बयान जारी कर बीते दिन कई बातें कही, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ जैसी योजनाओं को तब लाया गया है जब बेरोजगारी अपने उच्चतम रिकॉर्ड को पार कर रही है और युवा भविष्य को लेकर चिंतित है। ऐसी परिस्थिति में युवाओं ने उग्र आंदोलन किया, इसका पूरा जिम्मेदार जुमलेवीरों की सरकार है, लेकिन निर्दोष छात्र, युवा और शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करके वर्तमान सरकार ने यह साबित किया है कि देश को RSS और भाजपा के लोग अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। जो इनकी नीतियों का विरोध करेगा उसे प्रताड़ित किया जाएगा। नालंदा के वेणुवन में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। वेणुवन बांसों के वन में बसे वेणु विहार को उस समय के राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के रहने के लिए बनवाया था। वेणुवन को विश्व का पहला बौद्ध विहार होने का गौरव प्राप्त है। वेणुवन के ही परिसर में एक नव वेणुवन विहार का निर्माण कराया गया है और यहां एक विशाल बुद्ध प्रतिमा लगाई गई है। साथ ही वैभव पर्वत की सीढ़ियों पर मंदिरों के बीच गर्म जल के कई झरने, जहां सप्तकर्णी गुफाओं से जल आता है। पुरुषों और महिलाओं के नहाने के लिए 22 कुंड बनाए गए हैं। इनमें ब्रह्मकुंड का पानी सबसे गर्म होता है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी। मेडिकल कॉलेज में अब प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा के एडमिट कार्ड कभी भी जारी किए जा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार नीट UG एडमिट कार्ड NTA की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर इसी सप्ताह जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि नीट UG का आयोजन 17 जुलाई 2022 को प्रस्तावित है। NTA नीट UG परीक्षा ऑफलाइन पेपर और पेन मोड से होगी। नीट UG परीक्षा की एडवांस इन्फॉर्मेशन स्लिप जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड की जा सकेगी। NTA ने पूर्व में बताया था कि छात्रों को उसकी चॉइस के अनुसार सबसे पास वाले शहर में परीक्षा केंद्र अलॉट किया जाएगा। इस दिन से शुरू होंगे सेना भर्ती रैली के रजिस्ट्रेशन। बिहार समेत देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना को लेकर शुरू हुआ बवाल अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। भले ही छात्रों का गुस्सा कम हो गया हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने बयानबाजियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इसी बीच अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, उसके अनुसार सेना में अग्निवीर जवानों के 25,000 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से 3 दिन बाद 1 जुलाई 2022 से शुरू होगी। जुलाई में रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों को अगस्त में होने वाली भर्ती रैलियों में भाग लेने का मौका मिलेगा। सेना पहले चरण में 25,000 अग्निवीर जवानों का चयन करेगी, इसके बाद दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सेना में बतौर अग्निवीर सैनिक सेवा के देने के इच्छुक अभ्यर्थी इंडियन आर्मी की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सीएम नीतीश ने किया कटाव निरोधी कार्यों का निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन वैशाली जिला के लालगंज प्रखंड के वालहा बसंता में गंडक नदी के किनारे कटाव निरोधी काम का निरीक्षण किया। इस दौरान ही जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि गंडक नदी के किनारे कटाव की शिकायत मिलने पर जल संसाधन विभाग की तरफ से कटाव निरोधक कार्य लगाया गया है, जिससे आसपास के गांव को बाढ़ से बचाया जा सके। इसको लेकर ही मुख्यमंत्री ने गंडक नदी के किनारे कटाव निरोधक कार्यों की विस्तृत जानकारी ली है। इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नदी की चौड़ाई और गहराई को बढ़ाने के लिए नदी के दूसरे छोर पर सिल्ट कटिंग का कार्य कराए, ताकि नदी की चौड़ाई बढ़े और कटाव नहीं। उन्होंने कहा है कि नदी के दूसरे छोर की चौड़ाई और गहराई को बढ़ाया जाए, इससे तटबंध पर जल प्रवाह का दबाव कम होगा और तटबंध सुरक्षित रहेगा।
बिहार में 19 जेलरों का हुआ ट्रांसफर। बिहार में इन दिनों एक के बाद एक तबादलों का काम किया जा रहा है, जिसके तहत ही हाल ही में बिहार के 19 जेलर का ट्रांसफर किया गया। इसमें ही 10 सहायक जेल अधीक्षक का तबादला किया गया है और 9 जेल उपाधीक्षक को फिर से पद स्थापित करने का काम किया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इन 9 जेलर की निलंबन खत्म होने के बाद उन्हें नई पोस्टिंग मिली है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर सुनील कुमार मौर्य, भोला प्रसाद शर्मा, मनोज कुमार सिंह, रामानुज राम, जितेंद्र प्रसाद गुप्ता, रामविलास दास, संजय कुमार, अरविंद कुमार और शिव मंगल प्रसाद को निलंबन खत्म होने के बाद नई पोस्टिंग की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य के विभिन्न कारागारों में कार्यरत और निलंबन मुक्त होने के बाद पद स्थापना के लिए प्रतीक्षारत उपाधीक्षकों को कार्यभित और प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया गया है। 533 प्रखंडों में जल्द ही पंचायत समिति सरकार भवन का होगा निर्माण। बिहार के कुल मिलाकर 533 प्रखंडों में जल्द ही पंचायत समिति सरकार भवन का निर्माण होने वाला है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि राज्य सरकार ने 533 प्रखंडों में पंचायत समिति सरकार भवन का निर्माण कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही एक साथ सभी प्रखंडों में इस भवन का सरकार निर्माण कराने जा रही है। वहीं राज्य के सभी 8067 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय लेगी। अब तक राज्य में 3200 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है और जल्द ही 2000 नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की मंजूरी प्रदान की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मंत्री श्री चौधरी ने बीते दिन विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान कुमार नागेंद्र के ध्यान आकर्षण के जवाब में ये जानकारी दी है। अग्निपथ योजना नौजवानों को भड़काने वाला। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर सियासत गर्म है। बीते दिन ही इस मामले को लेकर विधानसभा और विधान परिषद में मुद्दों को उठाया गया है। कांग्रेस की माने तो ये योजना युवाओं को भ्रमित करने वाली है। अब इस योजना को बिना सोचे समझे लागू करने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को जब तक वापस नहीं लिया जाता है, इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहने वाला है। बिहार के सभी 243 विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में होगा अपना कार्यालय। अब बिहार के सभी 243 विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में अपना अपना कार्यालय होने वाला है। नीतीश सरकार ने सोमवार को विधानसभा में इसकी घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद प्रदेश के सभी विधायक अपने क्षेत्रों के जनता जनार्दन की समस्या को सुनेंगे। इस बात की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सदन में विधायकों को दी। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में विधायकों की अहम भूमिका है। विधायक जनता की समस्याओं को आसानी से दूर करें, इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। विधायकों के लिए उनके क्षेत्र में और जिले में कार्यालय की व्यवस्था किए जाने से विधायकों में काफी खुशी है। विधानसभा की कार्यवाही आज तक के लिए हुई स्थगित। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क से लेकर के इस मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध सदन तक पहुंच गया है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन अब बीते दिन वामदल कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने जोरदार तरीके से उठाया। अब इस दौरान ही कांग्रेस के सदस्य काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। इसी बीच अब सदस्यों के भारी हंगामे के कारण ही विधानसभा की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों की तरफ से अग्निपथ योजना को लेकर कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव को आंशिक रूप से स्वीकृति किया गया था। बिहार में हुआ कन्हैया कुमार का विरोध। बीते दिन पटना सिटी के चौक शिकारपुर स्थित पटना साहिब रेलवे स्टेशन के पास अग्निपथ योजना के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के युवाओं के समर्थन में सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। यहां युवाओं ने कन्हैया कुमार के भाषण के दौरान उनका विरोध करना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल बीते दिन हुआ कुछ यूं कि कांग्रेस नेता के भाषण के दौरान सभा में खड़े एक युवक ने अग्निपथ योजना को सही बताया और कन्हैया कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। भाषण समाप्त होने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और विरोध कर रहे युवाओं के बीच नोकझोंक और हाथापाई होने लगी। राबड़ी आवास के बाहर खुला आरजेडी चाय वाला। बिहार में इन दिनों चाय को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। युवा चाय स्टॉल खोलकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच जो पटना के एक राजनीतिक दल का चाय दुकान काफी चर्चा में है। इसका नाम आरजेडी चाय वाला है। ये राबड़ी आवास के ठीक बाहर है। सोमवार को लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अचानक अपनी गाड़ी को यहां पर रोक दिया। इस दौरान उन्होंने चाय वाले से बातचीत भी की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोमवार को सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी एक ही गाड़ी पर सवार होकर आवास से निकले। घर से निकलने के बाद तेज प्रताप यादव की राजद चाय स्टॉल वाले पर नजर पड़ी, तभी उन्होंने अचानक गाड़ी रुकवा दी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। टमाटर को बिना जहर वाली सब्जी 1820 में साबित किया गया। पहली कमर्शियल सैटेलाइट अर्ली बर्ड ने 1965 में कम्युनिकेशन सर्विस शुरू की।
आईफोन के नाम से जाना जाने वाला एप्पल का पहला स्मार्टफोन 2007 को बाजार में आया। बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक टी एस नारायण स्वामी को 2008 में इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। हिंदी के समाचार पत्र दैनिक आज के संस्थापक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी शिव प्रसाद गुप्त का जन्म 1883 में हुआ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव का जन्म 1921 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस का निधन 1972 में आज ही के दिन हुआ था। स्मृति मंधाना ने T20I क्रिकेट में किया ये कमाल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के लिए सोमवार 27 जून का दिन खास रहा। स्मृति मंधाना ने खास क्लब में एंट्री कर ली है, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली, पूर्व महिला कप्तान मिताली राज और मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर शामिल रहे। जी हां, स्मृति मंधाना ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन पूरे कर लिए हैं और वो ऐसा करने वाली भारत की पांचवी क्रिकेटर है। बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंधाना से पहले भारत के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, मिताली राज और हरमनप्रीत कौर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन पूरे किए हैं। न पासवर्ड याद रखने की झंझट, न डालने की, गूगल करेगा काम आसान। क्या आप भी बार बार पासवर्ड याद रखने की झंझट से परेशान हो चुके हैं? गूगल का एक कमाल का फीचर आपकी परेशानी को खत्म कर सकता है। इस फीचर के जरिए आपको पासवर्ड याद नहीं रखना होगा, बल्कि इसे बार बार टाइप भी करने की जरूरत नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं गूगल क्रोम के बिल्ट इन पासवर्ड मैनेजर की। क्रोम का ये फीचर आपके पासवर्ड को याद रखता है और जब भी पासवर्ड डालने की बारी आती है तो ये ऑटोमेटिकली उसे फिल कर देता है। आपको ध्यान देना होगा कि अगर किसी कारणवश आपकी ईमेल आईडी हैक हो जाती है तो हैकर को इन पासवर्ड की डिटेल भी मिल जाएगी। ऐसे में सोच समझ कर ही इस फीचर का इस्तेमाल करें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश ने निकाली रिक्तियां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश ने सीनियर रेजिडेंट गैर शैक्षणिक के कुल मिलाकर 53 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें एनेस्थीसियोलॉजी, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, ईएनटी, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑब्स्टियाटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, लैब मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकियाट्री, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, ट्रॉमा और इमरजेंसी मेडिसिन है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्रासंगिक अनुशासन में एमडी या एमएस या एमडीएस या फिर डीएम या एमसीएच में डिग्री अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.aimsrishikesh.edu.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। बिहार में मिले कोविड-19 के 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 133 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 774 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही गर्म प्रभावित जिलों की बात करें तो अरवल में 4, औरंगाबाद में 1, बांका में 4, भागलपुर में 9, भोजपुर में 1, दरभंगा में 2, ईस्ट चंपारण में 1, गया में 11, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 1, कटिहार में 2, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 1, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 1, पटना में 80, पूर्णिया में 1, रोहतास में 3, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 4 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 85,716 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 52 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू कुमार, कल्याणी चौधरी, कुश कुमार यादव, प्रिया यादव ऑफिशियल, मुकुंद टेक, संजीत, नीतीश कुमार, ध्रुव कुमार, सत्येंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के बीच क्या आपके आसपास लोगों ने कोविड-19 से बचाव के लिए नियमों का पालन करना शुरू किया है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।